एमपी के झाबुआ में आज आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जेएस की आदिवासी महापंचायत आयोजित की गई। झाबुआ के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित की गई इस महापंचायत में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। देश भर से आए वक्ताओं ने यहां पर आदिवासी हितों के मुद्दों को उठाया। वहीं सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र के विस्थापितों का मामला भी महापंचायत में उछला। यह है झाबुआ में आज आयोजित हुई जेएस की आदिवासी महापंचायत। क्योंकि झाबुआ में विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसलिए कई राजनीतिक दलों को आशंका थी कि ये आदिवासी महापंचायत कहीं न कहीं सियासत के चश्मे को लगाकर आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत में कई मुद्दे उठे, कई कानूनविद जिनमें अनिल गर्ग, जेएस के थिंक टैंक मानने वाले डॉक्टर आनंद राय ने भी इसको संबोधित किया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर आदिवासियों से बात की, संवाद किया। डॉक्टर अलावा ने कहा कि यह महापंचायत एक संदेश देगी उन युवाओं को कि उन्हें कैसे आखिर संघर्ष करना है अपने संवैधानिक हक के लिए। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी तो बन गई है, अनुसूची को लेकर क्या? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी सिर्फ अभी बनी है और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जल्द से जल्द बैठक करे और जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदिवासियों के विकास के लिए जो बजट तय किया है 35,000 करोड़ रुपये, अब आदिवासी क्षेत्रों को कौन सी योजनाएं ऐसी है जो आदिवासियों का पलायन रोक सकती है, आदिवासी इलाकों में कुपोषण रोक सकती है, आदिवासी इलाकों में शिक्षा बेहतर हो सकती है, आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हो सकती है, वो आने वाले समय में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ बैठकर तय करे। और पांचवी अनुसूची के जो प्रावधान है अभी तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। पांचवी अनुसूची 1950 में बनी है, लागू हुई है, लेकिन आज तक आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिसूचनाएं जारी नहीं हुई है। तो जल्द से जल्द पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी हो, कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश हो कि पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों के क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरह से प्रशासन पर नियंत्रण होना चाहिए, किस तरह कौन से नियम आदिवासी इलाकों में लागू होंगे, कौन से नियम नहीं लागू होंगे, इस पर आने वाले समय में सरकार एक्शन ले और इस पर जल्द से जल्द अपनी नीति स्पष्ट करे। आपने 3 बार जिक्र किया जी उपचुनाव का, जी बार बार ये भी कहा कि जी क्या जेएस की युवा इस चुनाव में लड़ेंगे? अगर जेएस की युवा इस चुनाव में उतरते हैं तो बिल्कुल मैं उनका स्वागत करूंगा और प्रदेश स्तरीय जेएस की कमेटी आज यहाँ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और वो प्रदेश कमेटी का उन्होंने अभी फिलहाल निर्णय किया कि उनकी 10 सदस्यीय टीम 7 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेगी और जो उन्होंने मांगे रखी है कि पलायन रोकने के लिए अभी योजना उपचुनाव से पहले घोषणा करे, पलायन को रोकने के लिए आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के लिए 1,00,000 पदों की घोषणा अभी उपचुनाव से पहले करे और जो एक बड़ा गंभीर इश्यू था कि आदिवासी इलाकों में जो खनिज खदानें हैं वो प्राथमिकता के तौर पे आदिवासी युवाओं को मिले, उस पर ऐसी नीति स्पष्ट तय करे। अगर सरकार मानती है तो उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि लड़ना ही नहीं लड़ना, नहीं मानती तो मुझे भरोसा है कि जयेश युवा मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, जी आपने में भी ये बात कही कि उन्होंने मांगी नहीं मानी तो पार्टी कोई भी आपका उम्मीदवार उपचुनाव में आएगा, जी तो क्या इस पर क्या कहना? बिल्कुल जो मांगे हैं आज भी हमने स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश सरकार आपके माध्यम से पहुंचाई है और प्रदेश की कमेटी 7 दिनों के अंदर जेएस कमेटी है वो मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं, उनको अस्वीकार कर देते तो वो जल्दी निर्णय ले लेंगे 7 दिनों के अंदर। इस आदिवासी महापंचायत में व्यापम मामले के विसिल ब्लोअर व जेएस के थिंक टैंक मानने वाले डॉक्टर आनंद राय भी मौजूद थे। उन्होंने विस्थापन का मुद्दा उठाया और कहा कि आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, उनका विस्थापन हुआ है लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने ये भी कहा कि वन मंत्री उमंग सिंघार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आबकारी विभाग के अधिकारी खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार करते हैं। निकला है इस महापंचायत, देखिए क्या है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं अभी तक ये सिस्टम चला आ रहा था कि भाजपा या कांग्रेस का पट्टा पहन के ही आदिवासी जनप्रतिनिधि विधानसभा तक पहुंचता था। जहां तक आदिवासियों के मुद्दों का प्रश्न है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में खनन के अधिकार हों, जो आदिवासी स्व सहायता समूह हैं उनको एम्पावर करने की बात हो, पोषण की बात हो, शिक्षा की बात हो, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी उतनी ईमानदारी से नहीं निभाते। जब से जेएस राजनीति में आया है एक खासा की किरण जागी है और यदि नए युवा आते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं और नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए।
एनवीए का जो नेतृत्व है वो मेधा पाटकर जी कर रही है, लेकिन उनकी अपनी एक शैली है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि एक गांधीवादी शैली, जैसे एक आक्रामक संगठन है, और एक तरीके से इस मंच के माध्यम से हम माननीय मोदी जी को चेताना चाहते हैं कि यदि आदिवासियों की चिताओं पर बैठकर वो गुजरात को पानी देना चाहेंगे या गुजरात का विकास सोचेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे, और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एक रणनीति बनाकर, क्योंकि जो अभी हालात है क्षेत्र के, लोग डूब रहे हैं और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यदि हमें लगेगा कि आदिवासियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो जैसे एक बड़ा कदम उठा सकता है। ऑडियो को लेकर जी देखिए, ऑडियो में जो वॉइस थी वो संजीव दुबे करके जो एक्साइज ऑफिसर है उनकी वॉइस थी, और उसमें वो आरोप लगा रहे थे अपने हिराला पर, आरोप इसलिए लगा रहे थे कि वो शराब पकड़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जब उनके काम में हस्तक्षेप होगा या उनको लगेगा कि भाई उनकी रोजी रोटी मर रही, तब उनको एक एलिगेशन लगाया गया था। और जहाँ तक उमंग सिंघार का प्रश्न या राजवर्धन का प्रश्न है, तो उसके बारे में वो ये बोल रहे थे वो इतना फिक्स अमाउंट ले रहे हैं, तो यदि एक मंत्री पैसा ले रहा है तो मेरा अपना एक निजी विचार है कि उस मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक भ्रष्ट आदमी को यदि आदिवासी नेतृत्व के नाम पर जमुना देवी की विरासत को वो बदनाम कर रहे हैं, उनको तत्काल उनका त्यागपत्र होना चाहिए, और जिस तरीके से वो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं कोई भी सहन नहीं करने वाला।